नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने पढ़े शोक प्रस्ताव। सदन शुरू होते ही हुआ हंगामा। पीएम मोदी के नाम को लेकर विजय हुड्डा में हुई तीखी बहस। विजय सदन से बाहर। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत विवादों में। डेरे में कलश जैसी बनाई जा रही रिहाइश। और अब समाचार विस्तार से। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिजनों के सदस्यों को हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सबसे पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रचा है। इस ऐतिहासिक मिशन में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मिशन में रोहतक में बने हुए नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अम्बाला की आरुषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव साथ ये सदन 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8। ये सदन 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और महान वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही हंगामा हो गया। पीएम मोदी के नाम को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व सीएम हुड्डा में आज सदन के पहले दिन ही तीखी बहस छिड़ गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। चंद्रयान 3 मिशन में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। यह अचीवमेंट एक दिन की नहीं है, इसमें हर पीएम का योगदान रहा है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व सीएम के बीच बहस शुरू हो गई। अनिल विज ने कहा कि आप मोदी जी का नाम लो, यह सफलता तब मिले जब मोदी जी पीएम हैं। इसी की बहस के बाद अनिल विज सदन से बाहर चले गए। आज से शुरू हुए हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय मॉनसून सत्र में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जींद जिले में पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा। बता दें कि एचएसवीपी ने पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। पैरामेडिकल कॉलेज जींद के सेक्टर 9 में 7.42 एकड़ भूमि में बनेगा, जिससे जींद और आसपास के क्षेत्र को फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी लोगों को ट्वीट करके भी दी है। उन्होंने कहा कि साथियों, एक खुशखबरी आपसे साझा कर रहा हूं, अब हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट जींद पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भूमि की मंजूरी मिल गई है। एचएसवीपी ने पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित की मंजूरी दे दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत एक बार फिर से विवादों में फंस गई है। हनीप्रीत से जुड़ा यह विवाद डेरे में बनाई जा रही उसकी रिहाइश को लेकर खड़ा हुआ है। इस संबंध में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महावीर एनक्लेव के रहने वाले 50 वर्षीय संजय झा द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल डेरे में
राम रहीम की रिहायश को गिराकर कलश के आकार की नई इमारत बनाई जा रही है। इस इमारत में हनीप्रीत रहेगी, लेकिन इमारत को कलश का आकार देने के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दायर याचिका के अनुसार कलश के आकार की इमारत बनाना हिंदू भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र कलश को सभी देवी देवताओं का रूहानी निवास माना गया है। आरोप है कि नई इमारत का निर्माण डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट बोर्ड की चेयरमैन हनीप्रीत सिंह उर्फ प्रियंका तनेजा ने अपनी रिहायश के लिए की है। याचिका में कलश के आकार के अवैध और विवादास्पद निर्माण को रोकने की मांग की गई है। हरियाणा में डेंगू से तीसरी मौत हो गई है। गुरुग्राम नू के बाद पंचकुला में डेंगू पीड़ित व्यक्ति की जान चली गई। राज्य में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 907 हो गई है। गुरुग्राम सहित प्रदेश के 5 जिलों में डेंगू से हालात खराब हो रहे हैं। यहां लगातार नए केस मिल रहे हैं। डेंगू पीड़ित 754 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करा चुके हैं, वहीं 153 लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा चुके हैं। सेहत मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीमारी को लेकर डेली मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में डेंगू को लेकर फीवर कॉर्नर बनाने को कहा गया है। हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जहां डेंगू के ज्यादा मामले मिल रहे हैं। इनमें रोहतक, रेवाड़ी, यमुनानगर, छींद और गुरुग्राम शामिल हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए अब जिन घरों या सरकारी ऑफिसों में डेंगू मच्छर का लार्वा पाया जाता है, उन्हें नोटिस और चालान भी जारी किए जाएंगे। अब तक 65,711 नोटिस ऐसे लोगों को जारी किए जा चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस ने हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। भिवानी जिले की तोशाम सीट की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी को राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में किरण चौधरी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करने वाली तिकड़ी में शामिल है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की हाईकमान में अच्छी पकड़ है और इन दोनों के साथ का पहला बड़ा फायदा किरण चौधरी को राजस्थान में जिम्मेदारी के तौर पर मिल रहा है। किरण चौधरी के समर्थक अपनी नेता को मिली जिम्मेदारी से बेहद खुश हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे तमाम शीर्ष नेताओं का इसके लिए आभार जताया है। वहीं किरण चौधरी ने जिम्मेदारी मिलने के बाद ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर की। अंबाला में सरकारी विभागों के अधिकारी इन दिनों रिश्वत लेने के मामले में चर्चा में हैं और अंबाला की एंटी करप्शन ब्यूरो इन पर लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीते दिनों शिक्षा विभाग के कर्मचारी और पटवारी भी और पुलिस के बलदेव नगर चौकी इंचार्ज और सदर थाना ASI को भी गिरफ्तार किया गया था। अब मामला एक बार फिर पुलिस पर रिश्वतखोरी का लगा है। दरअसल अंबाला एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बलदेव नगर थाना के सुरक्षा एजेंट को 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ में एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी सुरक्षा एजेंट और अन्य एक को कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज विजिलेंस ने विशाल उर्फ सीनू पुत्र विनोद कुमार और जसवीर सिंह पुत्र सरदार चंद जो हेड कांस्टेबल है उनको कंप्लेनेंट ने झूठे केसों में फंसा करके आज मुकदमा दर्ज हुआ है और आज उनको जुडिशियल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सारे जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और जल्दी ही इनके हम जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। है वो एंटी ब्यूरो करप्शन ने धारा 7, 7A, 13(1) और PC एक्ट 1998 व 120B की धारा लगाई है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल के साथ अंबाला, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार और छिंद जिले शामिल हैं। 24 घंटे में हुई बारिश और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं सोनीपत की रात सबसे ठंडी रही, यहाँ का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में अब तक 29 अगस्त तक बारिश के आसार बने हुए हैं। राष्ट्रीय क्षय इलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एवं सिविल सर्जन पंचकुला डॉक्टर मुक्ता कुमार के निर्देशानुसार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको डॉक्टर सुनील दहिया मेडिकल अफसर और TB इंचार्ज SDH कालका ने GMSSS कालका के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकुमार इंचार्ज ईटा के साथ मिलकर 500 से अधिक बच्चों को सुग्राही बनाया। डॉक्टर सुनील दहिया कालका के एक सक्रिय चिकित्सक हैं, जिन्होंने विद्यार्थियों को क्षय रोग के बारे में समझाया और इस रोग के होने के कारण लक्षण और इलाज संबंधित जानकारी को भी काफी विस्तार से बताया। कार्यक्रम के संपन्न होने पर बच्चों को बिस्किट, पेन बांटे गए और देश जीतेगा TB हारेगा के नारे भी लगाए गए। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम TV।